वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सरमाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टीएमसी क्या होता है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए, टीएमसी समझने से पहले सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म समझनी पड़ेगी कि टीएमसी की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टीएमसी। टी का यहां पर मतलब होता है थाउजेंड, टी का मतलब होता है थाउजेंड, एम का मतलब होता है मिलियन और सी का मतलब होता है क्यूबिक फीट। ठीक, तो मिला के बन गया टीएमसी मींस थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट। अब इस टीएमसी वर्ड का यूज कहां किया जाता है? तो देखिए, यहां पर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बांध है, ये बांध है, ठीक, इस तरीके से बांध बना हुआ है, ठीक है, यहां ये बांध पूरा पटा हुआ है, ठीक। अब यहां पर पानी हमने होल्ड कर रखा है, पानी को हमने होल्ड कर रखा है, ठीक। अच्छा, यहां पर इस बांध के ये फाटक हैं, ठीक है। तो किसी भी बांध की वाटर रिजर्वॉयर कैपेसिटी, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल संग्रहण क्षमता को हम किस में नापते हैं? टीएमसी में नापते हैं। यहां पर हमने पानी का होल्ड कर रखा है। अब ये पानी का हमने होल्ड क्यों कर रखा है, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा हमारे देश की तीन बांधों के बारे में, जिसमें हमारा पहला बांध है इस सरदा बांध। अब इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कहां पर स्थित है? तो देखिए, राजस्थान राज्य में बनास नदी के ऊपर टोंक और सवाई माधोपुर जिले की सीमाओं पर स्थित है, ठीक है। और इस बांध का मुख्य उद्देश्य है दौसा और सवाई माधोपुर जिले की सात शहरों को पेयजल उपलब्ध कराना और साथ ही साथ 1256 गांवों की भी प्यास बुझाएगा ये बांध। अच्छा, इस बांध में कितने गेट है? 28 गेट भी बने हुए हैं इस बांध में, ठीक, काफी बड़ा बांध है। इसी तरीके से हमारा दूसरा बांध है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब ये बांध हमारा कहां पर है और इसका मुख्य उद्देश्य? टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जो जिला है हमारा, ये वहां पर स्थित है और इस बांध का मुख्य उद्देश्य है लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। इस बांध से 2400 मेगावाट बिजली उपलब्ध होती है, मतलब अगर देखा जाए तो 12 लाख से 24 लाख परिवारों को बिजली मिल सकती है, इतनी बिजली बनाता है बांध, ठीक। और हमारा तीसरा बांध है राजघाट बांध, ठीक है, राजघाट बांध। अच्छा, इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजघाट बांध का मुख्य उद्देश्य है कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करना, ठीक है। अच्छा, कहां पर है ये? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मिलकर बनाया गया प्रोजेक्ट है, ठीक है, दोनों की राज्यों की सीमाओं पर है, जो कि मध्य प्रदेश में चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर है और उत्तर प्रदेश में ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अब इन तीनों बांधों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसरदा बांध की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। इसकी कैपेसिटी है 10.77 टीएमसी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी? इसरदा बांध की, ठीक। अब टिहरी बांध की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? टिहरी बांध की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है 3540 एमसीएम मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, मिलियन घन मीटर। अच्छा, राजघाट बांध की कैपेसिटी क्या है वाटर होल्डिंग? राजघाट बांध की कैपेसिटी है 2172 एमसीएम, ठीक है, मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक। अच्छा, तो देखिए, ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये है टीएमसी में, ये है एमसीएम में,
जब भी हमें एमसीएम को टीएमसी में बदलना पड़ता है तो आपको गुणा करना पड़ता है एक छोटी सी यूनिट का, 0.035317। ऐसे हम इसमें गुणा कर देंगे 0.035317। तो इन दोनों बांधों की कैपेसिटी आ जाएगी टीएमसी में, ठीक है। यहां पर हम गुणा कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी आ गई 125.01 टीएमसी। ये आ गई कैपेसिटी हमारी टिहरी बांध की, ठीक है। अच्छा, अब हम कैपेसिटी पता करते हैं राजघाट बांध की टीएमसी में, इसकी कैपेसिटी आ गई 76.70 टीएमसी, सही है। तो यहां पर मैंने आपको तीनों बांधों की कैपेसिटी बता दी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें, टीएमसी में, और ये भी बता दिया ये बांध हमारे, ठीक है, क्यों आवश्यक है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी बांध का पेयजल उपलब्ध कराना, किसी बांध का कृषि भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराना, किसी बांध का मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना, या कभी कभी जैसे भाखड़ा नागल बांध है, वो तीनों काम एक साथ कर सकता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, तो देखिए ये जो बांध है ना, जब कभी कभी बांध में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे उस शहर में, तब क्या किया जाता है, इन गेटों को खोला जाता है, यहां से पानी निकाल दिया जाता है, ठीक है, इस जगह से पानी निकाल दिया जाता है। जब पानी निकलता है गेटों के नीचे से पानी निकाला, तो जो वो पानी निकल रहा है जल प्रवाह वेग को हम किसमें नापते हैं, क्यूसेक में, क्यूमेक में, क्यूसेक में भी नापते हैं और क्यूमेक में भी नापते हैं। लेकिन जो पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बांध में कितना पानी भरा हुआ है ऊपर तक, उस पानी का जमावाड़ा, जो पानी का संग्रहण क्षमता है, उसको हम किसमें नापते हैं, टीएमसी में, ठीक। चलिए और समझते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए एक टीएमसी बराबर होता है 1 अरब घन फुट, एक टीएमसी बराबर 1 अरब घन फुट, ठीक। थोड़ा सा और समझते हैं, 1000 का मतलब 1000 कैसे डिनोट करेंगे, 10 की पावर 3, ठीक है। मिलियन, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, ठीक। तो यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 6। तो इसका मतलब हुआ एक, कितने जीरो है यहां पर, 6 नीचे 3 ऊपर, 9 जीरो है, 1 लगाया 9 जीरो बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम कॉमा लगा लेते हैं, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, और ये क्या हो गया, अरब। इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ और अरब। तो इस तरीके से क्या हो गया, 1 अरब घन फुट। अब 1 अरब घन फुट में कितना पानी आ सकता है ये पता करते हैं। तो देखिए, यानी कि एक टीएमसी कितना पानी होगा, अब ये पता करते हैं। तो देखिए यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट की फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरे पास इस तरीके का, जिसकी लंबाई है 1 फुट, ठीक है, इसकी चौड़ाई है 1 फिट, यहां से इसकी चौड़ाई हो गई 1 फिट, और इसकी ऊंचाई है वो भी 1 फुट। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट में जो 1 फिट लंबा है, 1 फिट चौड़ा है और 1 फिट ऊंचा है, कितना पानी भर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में। तो 1 घन फुट, यहां पर हम लिख लेंगे 1 घन फुट बराबर कितना पानी होगा, 1 घन फुट में हम कितना पानी भर सकते हैं, 28.317 लीटर। 1 घन फुट में कितना, इस ऑब्जेक्ट में कितना पानी आ सकता है, जो 1 फिट लंबा, 1 फिट चौड़ा, 1 फिट ऊंचा है, 28.317 लीटर, ठीक है। इसलिए एक टीएमसी में कितना पानी आएगा,
एक घन फिट की आ गई, और यहां पर हम कितने घन फिट की निकाल लें, 1000 मिलियन घन फुट, 1 अरब घन फिट की निकाल रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट का, इस वाली यूनिट का, इस वाली यूनिट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 28.317 का गुणा करना पड़ेगा 10 की पावर किससे, 9 से। ये हो जाएगा 28.317 अरब लीटर। ठीक, अगर इसको हम करोड़ में बदलते हैं, अगर हम इसी डिजिट को करोड़ में बदल दें, कैसे बदलेंगे, हमें ये पता है कि करोड़ में हमारे 7 जीरो होते हैं, कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो। अब यहां पर है 9 जीरो का यूज हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 28.317 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 7, 10 की पावर 9 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, लीटर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अब यहां पर 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। अगर हम 28.317 का 100 से गुणा करा दें, तो हमारा आंसर क्या आता है, 2831.7 करोड़ लीटर। या तो आप करोड़ लिख दीजिए, या आप 10 की पावर 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2831.7 करोड़ लीटर। आपने करोड़ लिख दिया, तब 10 की पावर 7 क्यों लगाएंगे। ठीक है, 2831.7 करोड़ लीटर एक टीएमसी पानी कितने लीटर के बराबर है, इतने करोड़ लीटर के बराबर है, समझिए। और कृषि एक्सपर्ट की माने तो एक टीएमसी पानी से 10,000 से 15,000 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकती है। सोचिए कितने करोड़ लीटर पानी है, इससे कितने जमीन की सिंचाई कर सकते हैं हम, 10,000 से 15,000 एकड़ जमीन की।